हेलो स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सेम एज इट इज हमें इसमें भी क्या फाइंड करना है कि गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, राइट। नाउ द इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वन। सेकेंड इक्वेशन इज टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड इक्वल्स टू टू। एंड द थर्ड इक्वेशन इज ए एक्स प्लस ए वाई प्लस टू ए जेड इक्वल्स टू फोर। इक्वेशन लीनियर फॉर्म में गिवन है, कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा इन इक्वेशन का, कैपिटल ए एक्स इक्वल्स टू बी, राइट। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके बाद एक्स, कैपिटल एक्स का मतलब होता है उस इक्वेशन में जितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो, एंड द राइट साइड जितने कॉन्स्टेंट टर्म है वो। तो देखिये, कोफिशियंट ऑफ एक्स मतलब वन, कोफिशियंट ऑफ वाई अगेन वन, कोफिशियंट ऑफ जेड वन, ठीक है। नाउ द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू, कोफिशियंट ऑफ वाई इज थ्री, एंड द कोफिशियंट ऑफ जेड टू। कोफिशियंट ऑफ एक्स इज ए, कोफिशियंट ऑफ वाई ए, कोफिशियंट ऑफ जेड टू है, क्लियर। अब हमारे पास हर इक्वेशन में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, टोटल एक्स भी है, वाई भी और जेड भी है, तो हमने एक्स वाई जेड लिख दिया और कांस्टेंट टर्म वन टू फोर, ये वन टू फोर हो गया, मतलब ये आपके लिए कैपिटल ए मैट्रिक्स बन गया, ये कैपिटल एक्स है और ये बी है, राइट। आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं। तो नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक डिटर्मिनेंट ऑफ ए, थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स है, तो इस एलिमेंट के लिए हम ओपन करेंगे तो ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या मिल रहा है, थ्री टू ए टू है, ये लिखा थ्री टू ए टू है। मिड टर्म का साइन चेंज, इस एलिमेंट के लिए फाइंड करेंगे तो ये रो और कॉलम छोड़ देंगे तो टू टू ए टू है, ये लिखा टू टू ए टू है। नाउ द थर्ड एलिमेंट इज प्लस वन, इस एलिमेंट के लिए करेंगे तो ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे, क्या मिल रहा है, टू थ्री ए ए, लिखा टू थ्री ए ए। टू थ्री जा सिक्स है, माइनस टू है, माइनस वन एज इट इज। टू टू जा फोर है, माइनस ए का मल्टीप्लाई टू में करा टू है। नाउ द फर्स्ट प्लस वन एज इट इज, मल्टीप्लाई ए एंड टू टू है, माइनस थ्री है, क्या बचा यहाँ पे, सिक्स ए में से टू है माइनस करा फोर है, फोर ए में से टू ए माइनस करा टू ए लेकिन बाहर है माइनस टू ए, एंड अगेन थ्री ए में से टू ए माइनस करा माइनस है ये, अब ये टोटल हो गया थ्री ए, फोर ए में से थ्री ए माइनस करा प्लस ए। अब यहाँ पे ए आ रहा है, मतलब पर्टिकुलर कोई वैल्यू आ रही है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, जीरो आ रहा है क्या, नहीं, मतलब ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिंगुलर है, और मैंने पहले भी बताया था कि जब भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो इट मीन्स ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब उस मैट्रिक्स का डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा ही, और अगर सॉल्यूशन है इट मीन्स हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्या है, कंसिस्टेंट है आंसर।